दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि कोरोना का इलाज सिर्फ भारत दे सकता है और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, आज एलोपैथ के चिकित्सा प्रणाली पर निर्भर समूचा विश्व जब बड़ी बड़ी तकनीकों के साथ पूरे इलाज करने के प्रयासों के बावजूद भी विफल हो गया है, तो सबकी नज़रें भारत की ओर टिकी है। आज भारत से लोगों का मतलब है भारत की सबसे प्राचीन और सफल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना का इलाज। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बीके आरोग्यम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मिशन आरोग्यम, आपका मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कोरोना की महामारी में जब सारी तकनीकें, सारे लैब्स, सारा सिस्टम धारा का धारा रह गया वैक्सीन के को बनाने में, और ऐसे सफल वैक्सीन का काम करने का काम आज आयुर्वेद कर रहा है। दोस्तों, आयुर्वेद का काढ़ा पीने की बात की जाए, उसमें चाहे सुगंधा का सेवन हो, चाहे गिलोय या तुलसी का हो, WHO से लेके सभी देशों ने कोरोना के बचाव के लिए इसका सेवन करने को कहा है। आखिर ये क्या है? ये एक तरह का वैक्सीन ही तो है, मेरा मतलब आयुर्वेदिक वैक्सीन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज ये बात साबित हो चुकी है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ कोरोना से लड़ाई में इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे अधिक कारगर है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यही आयुर्वेदिक वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन का काम है रोगों के होने के पहले मरीज की इम्यूनिटी को मजबूत करके उसे बचाने का, और आज विश्व में कोरोना से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, या यूँ कहें आयुर्वेदिक वैक्सीन का इस्तेमाल आज दुनिया कर रही है। दोस्तों, ये औषधियाँ न सिर्फ बचाव में कारगर हैं बल्कि इलाज में भी मरीजों के लिए बहुत मददगार हो रही है। इसको साबित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय, CCRS और ICMRS के साथ तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, अस्पताल, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कोरोना मरीजों पर परीक्षण करना शुरू कर दिया है। इस परीक्षण में 4 औषधियों को शामिल किया, जिसका नाम है अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी और एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं आयुष 64। आयुष 64 एक्चुअली कोई मेडिसिन नहीं है, ये कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद विभाग ने तैयार किया है। यह रिसर्च एसिम्प्टोमेटिक मेडिसिन पेशेंट्स, यानी जिन पे लक्षण नहीं आ रहे हैं, उन पे किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको इन औषधियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आयुर्वेद में हम गिलोय के बारे में बात करेंगे। गुजरात की एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने गिलोय पर हुए शोध में पाया कि गिलोय लाइफ स्पैन, यानी कि उम्र बढ़ाने में बेहद कारगर है। गिलोय को आयुर्वेद में सुपर फूड माना गया है। गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये क्रॉनिक डिजीज में भी राहत देता है। गिलोय का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और बुखार जैसी और समस्याओं में भी किया जाता है। दोस्तों, हम दूसरी औषधि की बात करेंगे, अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा होती है, इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में WBC और RBC को बढ़ाता है, जिससे इम्यूनिटी को मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलती है। अश्वगंधा खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में सर्वाइव नहीं कर पाते, बचाव करने में बहुत मदद मिलती है। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग करती है। IIT दिल्ली में हाल में ही अश्वगंधा पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि अश्वगंधा हमारे शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का निर्माण करती है, जिससे सांस से संबंधित और फेफड़ों संबंधित किसी बीमारी में अश्वगंधा बहुत कारगर रूप से काम करती है। इसी वजह से कोरोना के खिलाफ अश्वगंधा रामबाण औषधि के रूप में मानी जा रही है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मुलेठी के बारे में। इसे संस्कृत में यष्टि मधु भी कहते हैं। मुलेठी का इस्तेमाल गले से संबंधित रोगों में किया जाता है। मुलेठी विटामिन B, विटामिन E, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और इस तरह के और सारे कई न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। मुलेठी एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबायोटिक भी है, इसमें ग्लिसरीन एसिड और प्रोटीन भी पाया जाता है। मुलेठी हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, और इसका इस्तेमाल आँख, मुँह और गले संबंधी रोगों के इलाज में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऐसे औषधि के बारे में जिसमें ढेर सारे प्राकृतिक हर्ब्स को मिलाकर बनाया गया है। इस औषधि का नाम है आयुष 64। यह औषधि जुकाम, बुखार और मलेरिया में बहुत बेहतर रूप से कारगर या काम करने वाली है, और इसे आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, हम आपको हमेशा से आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, और आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन और सफल चिकित्सा पद्धति है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगी को जल्द से जल्द और जड़ से ठीक करने में मदद करती है, और आज ये बात पूरा दुनिया जानता भी है और मानता भी है। अगर आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो इन औषधियों का घर पर सेवन करें। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव बीमारी के इलाज से ज़्यादा अच्छा होता है, और यही बात हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन औषधियों के साथ मैं कुछ और औषधियों का नाम लूँगा
जो हमने आरोग्य में अपने रिसर्च के दौरान तैयार किया है। कुछ औषधियाँ जो पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे हमने मुलेठी की बात की या हमने बात की बकोए या गिलोए, गिलोए का अर्क यानी इसको बोलते हैं अर्क गिलोए। इसके अलावा बहुत सारे और हर्ब्स जैसे सुदर्शन बटी, जैसे लक्ष्मी विलास रस या इस तरह की और कई औषधियाँ जो बहुत अच्छी एंटीवायरल हैं, इम्यूनिटी बूस्टर हैं, गंभीर और वायरल बीमारियों को दूर करने में हेल्प करती हैं। इन औषधियों को और प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्रीय औषधियों को मिलाकर हमने एक ऐसी विशेष औषधि तैयार की है जो प्योर, शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की है, जो हेल्प करती है आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में और मदद करती है कोरोना से आपको बचाने में। दोस्तों, एक बात और है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो नियमित रूप से इन औषधियों का काढ़ा बनाकर या किसी और रूप में अपने आहार में शामिल कर सके। एक दिन दो दिन ठीक है, बाकी फिर आगे दिक्कतें आती हैं। हमने इसके लिए क्या किया, हमने इन सभी औषधियों को साथ में लेके और इसके साथ में अश्वगंधा, गिलोय और तमाम औषधियों को मिलाकर एक चमत्कारी इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया जिसका नाम है आरोग्य रसायन। दोस्तों, आरोग्य रसायन बीके आरोग्य रिसर्च सेंटर के बहुत सालों के रिसर्च का नतीजा है। आरोग्य रसायन कोरोना काल से पहले भी अपने हम मरीजों के इम्यूनिटी को इंक्रीज करने और गंभीर रोगों से लड़ने के लायक शरीर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। दवा के साथ भोजन के रूप में इसका नियमित इस्तेमाल आदमी को स्वस्थ और लंबी जिंदगी देता है, एक रसायन है। दोस्तों, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एक पर्टिकुलर एक उत्पाद के एक चम्मच से ही पूरा इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपको मदद मिलेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं हमेशा से आपसे कहता हूं और चाहता भी हूं कि मिशन आरोग्यम कोई एक मिशन नहीं है, एक सपना है। लोगों के इलाज के नाम पर जो भाषणबाजी है उसको न दिया जाए, एक सोल्यूशन दिया जाए, समाधान दिया जाए, और ये औषधि भी एक समाधान के रूप में हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, बीमारी होने के बाद पछताने से अच्छा है कि इसका सेवन करें, आप बचे रहें, आजीवन निरोगी रहें। दोस्तों, अब लॉकडाउन खुल रहा है, अब सब कुछ आम है, बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही सिस्टम है, वो है आपकी इम्यूनिटी। तो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, अपने अपने परिवार को मेंटेन रखें ताकि आप अपने उन लोगों को खोने से बच सकें जिन्हें आप प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ जिससे आपका एक अटैचमेंट है, एक लगाव है, ताकि आपकी एक शेयर किसी एक आदमी की ज़िंदगी बचा सके। नमस्कार, धन्यवाद।